What is up, ladies and gentlemen? World of Esports के एक और एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के एपिसोड में ESL Pro League Season 14 अभी हाल ही में खत्म हुआ था, so the memories are still fresh। और आज के एपिसोड की शुरुआत हम उसी चीज के साथ करने जा रहे हैं। We will have a look at some of the best frag moments from ESL Pro League Season 14। उसके बाद बढ़ेंगे और नजर डालेंगे इंडिया प्लेस के ऊपर, जहां पे इस बार हमारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स खेल रहे थे रॉकेट लीग, और देखेंगे उनका परफॉर्मेंस किस तरह का था। फिर इंटरव्यू सेगमेंट में कुछ नया इंट्रोड्यूस हम करने जा रहे हैं, जहां पे एक बहुत ही स्पेशल इंसान के साथ हमारी बातचीत होगी, हु कैन वेल ब्रेक द कॉम्स ऑफ एनी टीम। और फिर आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे एक फैन थ्योरी के ऊपर, जो शायद हमको एक आइडिया दे सकता है कि KO Valorant के अंदर कर क्या रहे हैं। So without wasting any further time, ladies and gentlemen, this is Super Johnny and you guys are watching World of Esports. नावी ने ESL Pro League Season 14 जीतकर ESL Pro 2 उसके टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन ये टूर्नामेंट सिर्फ नावी का नहीं था, यहाँ पे और भी कई सारे प्लेयर्स थे और भी कई सारी टीम्स थी, जहाँ पे प्लेयर्स ने इंडिविजुअली तो अच्छा परफॉर्म किया बट एज अ टीम कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए। और अब बारी है उन्हीं प्लेयर्स की, क्योंकि हम उन्हीं प्लेयर्स के बेस्ट फ्रैग्स पर नज़र डालने जा रहे हैं। First tap off the fake. He looks the wrong way. Zeko can clear him. He needs to tap now. This is disgusting, Breezy anymore. That's four. And he's looking for the ace. Breezy.
और जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिया प्लेस का वीक 3 अभी हाल ही में खत्म हुआ था, जहां पे इन्फ्लुएंसर्स और स्ट्रीमर्स जो थे हमारे रॉकेट लीग खेल रहे थे। सो उसी वीक 3 के एक्शन के ऊपर अब हम नजर डालेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका नॉट विन गेमिंग प्रेजेंट्स इंडिया प्लेज 2.0 के अंदर। अगर हम उनको वीसी में बुला सकते हैं तो उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ना चल क्या रहा है। गोल, लेट्स गो, वाओ, वेनम भाई जस्ट गोइंग फॉर इट। हाय अंकित, व्हाट्स अप? हाय ब्रो, व्हाट्स अप भाई? क्या गोल मारा आपने भाई, बुलाते ही गोल भाई। आई हैड टू सी द बॉल भाई, मेरे को आज मूड लग रहा है कि मूड में पूरा क्या चल क्या रहा है। ईशान, व्हाट्स अप? हैट्रिक चांस है आज। एक्चुअली हुआ ऐसा है, मैं बाय डिफॉल्ट जीत गया हूँ। हाँ, आई नो तो यही बोल रहा हूँ ना, आज तो सितारे भी आपकी ही तरफ है। पहले से ही लक अच्छा है ईशान भाई आज मेरा। हमने जैसे ही देखा रचित ने मतलब नाक कटा दी, सीधा गोल हुआ। नहीं देखते, अरे भाई भाई, क्या ओन गोल हो गया क्या? अरे मैं रोका था, मैं बहुत प्यारा रोकने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा रह गया। राउजी का स्वैग, राउजी का स्वैग देखने को मिलता ना, जो वो अल्टीमेट चीज है। मैं बिल्कुल नहीं हार रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हार रहा हूँ, ठीक है ना। ये बस टेक्निकल ग्लिच है, ये बस टेक्निकल ग्लिच है स्कोरबोर्ड में, ये मैट्रिक्स का ग्लिच है गाइस। 18 सेकंड भाई, 11 रुपए का टीका लग रहा है क्या? कम ऑन, लग रहा है कि टीका, लेट्स गो। इस 10 सेकंड में रचित अगर आपने गोल कर लिए, रचित अगर आप जीत गए तो आपको टॉक करना है, अदरवाइज राउत जी को टॉक करना है। भाई अपना रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, एक भाई 20 टाइमर खत्म होने के बाद बॉल जमीन पे गिरते। Let's see, but let's have a look at the scoreboard right now to have the conversation again and again कि क्या चल रहा है। एंड अभी की बात करें तो 20 पॉइंट के साथ एसी के सबसे ऊपर, ईशान 15, मिडफील्ड 12, then comes down to the single digit रमन चोपड़ा। Well, I enjoyed it overall and I'm pretty sure you know आपको भी काफी मजा आया, बहुत ज्यादा। तो ये काफी मजेदार जर्नी थी, जो ऑब्वियसली हम अगले हफ्ते भी देखने वाले हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। एंड लेकिन अगले हफ्ते तक जाने के लिए ऑब्वियसली हमें उस हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। सो टिल देन लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज गेम ऑफ फ्लीट एंड ओशन शर्मा राइट नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया प्लेस 2.0 दिस वीक्स अफेयर ऑफ रॉकेट लीग। विल सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। हमारे इंटरव्यूज में हमने अब तक काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल प्लेयर्स को फीचर किया है, एंड इट्स जस्ट हाउ इट वाज फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन आज विद द हेल्प फ्रॉम आवर डियर राइटर, वी फाउंड समवन रियली इंटरेस्टिंग, एंड शी इज अ वैलोरेंट प्लेयर फ्रॉम केरला, जिनकी आवाज काफी ज्यादा फेमिलियर है। इनफैक्ट शी कैन मेक अ नंबर ऑफ वॉइसेस दैट आर क्वाइट फेमिलियर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अस्वथि, AKA स्नॉट ग्लूकोज। Here comes the party! Woo! Alright, that was risky, but still, welcome back ladies and gentlemen, World of Esports ke interview mein aapka swagat hai, and this time we're gonna do something different. In fact, this is gonna be a start of something new, aur usi ke liye, abhi jo aapne voice line suni, that wasn't done, well, it wasn't taken from inside the game, it was actually done by someone really, really interesting, और आज हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। So please put your hands together for Aswati. Aswati, how are you doing? I'm really good. How are you? I'm doing good as well, and it's a pleasure to have you with us first of all. And I'm going to ask you to do it once again so the audience can actually believe it. Could you say that line once more? Here comes the party.
It is always fun to hear that. बहुत मजा आता है. I mean, game के अंदर तो हम सुनते हैं, but सामने अगर कोई वैसी game की आवाजें निकाले तो I don't know. It's just curiosity, I guess, human nature. But it's super exciting. So, Aswati के बारे में अगर आप लोगों को बताओ तो उनका नाम Aswati है. She is a Valorant player, casually खेलते हैं. But her unique skill is that she can make voices of most of the agents inside the game and आपका IGN भी काफी ज़्यादा interesting है. पहले उस पे आता हूँ. Your IGN is not glucose. Why? Why is not glucose? तो पिछले साल मेरे friends के साथ मैं PUBG खेल रही थी. तब PUBG था, BGMI नहीं. PUBG खेल रही थी तो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, but ये एक friend था उनके जो मुझे नहीं जानता था. मैं तो मैं हूँ और hyper रहती हूँ. तो उसने बोला कि ये snort glucose snort करके आ गई है game के अंदर. तो तब से मैंने अपना नाम स्नॉट ग्लूकोस रखा है. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी कि समवन वाज जस्ट लाइक हैविंग फन एंड यू वर लाइक ओ आईजीएन अच्छा बन सकता है. बट इसी के साथ आई वांट टू नो लाइक वी जस्ट हर्ड यू डू द वॉइस ओवर फ्रॉम रेज और कौन-कौन से एजेंट्स हैं वैलोरेंट में दैट यू कैन लाइक टू. हां तो जेट का आवाज सही से आता है. रेना, थोड़ा सा सेज और कभी कभी तो वाइपर और स्काई का भी आता है थोड़ा. I would like to hear a few of them right now. तो the jet voice lines would go something like, come on guys, take out their healer, it's super annoying to kill people twice, or enemy spotted B, healer down, you outrun me, or who are you all? The cleanup crew? ये जेट के वॉइस लाइंस हैं और रेज के वॉइस लाइंस होंगे. Anyone have any skates? I may have jabbed my fingers. Please don't see no. You sure I can't listen to music? You're really bringing me down, man. Or fates check, charges check, rates nowhere in sight. Okay, I mean this was intense when you said like enemies down B. Main actually soch raha tha, all right, a game is live and I have to push the site now. bahut zyada mazedar, but now I want to hear your story. Like how did you get into gaming? हाँ तो जब भी बहुत छोटी थी तो मेरे भाई जो हैं वो गेम्स तो खेलते ही थे, बट मैं उनको देखती थी तो आई फील ही इज द कूलेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. वीडियो गेम्स खेल रहे बहुत अच्छे से भी, तो आई वांट टू बी एग्जैक्टली लाइक हिम. तो मैं भी स्टार्ट करने लगी, मैं भी छोटी उम्र से ही खेलने लगी. एंड लास्ट ईयर, मिड ऑफ लास्ट ईयर, माय फ्रेंड सेड देयर इज दिस गेम कॉल्ड वैलोरेंट. ये क्या है? And then by November it's really popular, so I joined in as well. Mm-hmm. And that's when I heard the voice lines and I realized maybe I could imitate a few of them. I mean, what made you take it to the next level? क्योंकि एक आध voice line imitate करना एक अलग बात है, and just trying your best to do almost all of the characters, it's like a totally different thing. And आपने जो roster यहाँ पे mention किया, that is almost all of them. So, like, how do you keep going? एक agent के बाद दूसरा agent, one line after the other. मेरे भाई जो हैं, वो video games तो खेलते ही थे. उनको देख के मुझे लगता था कि ये सबसे coolest human being है. तो मुझे भी खेलना है. I have to do it as well. तो मैं भी start करने लगी. And that's how I got into gaming. But last year, mid of last year, मेरे friends ने कहा कि एक game है Valorant, खेल के देख. तो ऐसे, fine. November हो गया, बहुत ज़्यादा popular है Valorant. तो मैं भी start करने लगी खेलने. And that's when I heard Ray's voice lines. And I realized ki ye bahut unique awaaz hai and it's very interesting. So I should imitate it. And when I did it, my friend said it's really accurate. So I thought, why should I limit myself to Ray's? Bahut saare agents hai, saare ke saare seekh sakti hu main. So main seekhne lagi saare ke saare. It got to a point where I'd go in random games aur voice chat laga ke main imitate karne lagi. Aur unko bahut confusion aa gaya tha pehle se to. Kyunki it's a line that comes when Ray kills people. Like, ye abhi kya kar raha hai, batch to start hi hua hai. And people started freaking out. So I realized ki ye bahut acha hai and it's very fun and interesting. I mean, कई बार आपने अपने teammates को fake करने की कोशिश करी है कि ओ अचानक से round के intense moment में here comes the party and they are like all right showstopper है का. और I mean what was the initial reaction like, I mean from your teammates? जैसा आपने बताया काफी ज़्यादा surprise तो होते हैं, but have some people been like all right this is getting a little too much now?
हाँ, जब मैं बहुत इरिटेट करने तो जब टॉक्सिक टीममेट्स मिलते हैं रैंडम वाले, तो उनको मैं डेफिनेटली इरिटेट करूंगी ये सब बोल के, तो दे विल डेफिनेटली नॉट ईदर म्यूट मी और नॉट डू दैट यू नो टॉक्सिक स्टफ अगेन. Okay, so Asuti, I mean, we have had a lot of competitive players in the past, and I believe this is the first time we have had a normal casual gamer like us, jo I think audience zyada relate kar sakti hai. So I want to know from your experience, like Valorant ke saath aapka experience kaisa raha hai in the ladder? हाँ, तो as I said, I started gaming last year Valo. When I came to know of this game called Valorant, and it's a competitive game with 5 people and you have to play against another 5 people and there are many agents and it's really cool. I didn't think much of it. मैंने सोचा हाँ ठीक ही होगा, there are many games exactly like that. इसमें क्या खास बात है? I ignored it. But then Valo got really popular to a point where literally every single one of my friends who are into gaming are playing it and they've been calling me for months. मैंने सोचा आई विल डाउनलोड इट एज वेल, बट वंस आई गॉट इन टू द गेम आई रियलाइज हाउ यूनिक ईच ऑफ द एबिलिटीज इज एंड हाउ इट प्लेज अलॉन्ग इन द गेम. यू कैन नेवर हैव टू राउंड्स बी द एग्जैक्ट सेम, विच इज वाई वैल्यू इज सो फन फॉर मी. यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स एंड यू नो टॉक एंड हैव इंट्रैक्शंस विद अदर्स एंड मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन. इन फैक्ट करंटली आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आई हैव नॉट मेट हु आर फ्रॉम वैलोरेंट, सो इट्स बीन वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस. I mean, that is, I guess, one of the unique traits of gaming. While most people think, oh, it's just one person sitting alone and sitting on a computer doing stuff, you are actually making a lot of friends. There is an aspect to socialize as well. Apart from gaming, I want to know a little bit more about you as well. What other things are you into, like, otherwise in life, outside the room? I just graduated from my college near to my house with a degree in history, and I draw, I sing, I cook, I write. So I have a lot of skills and a lot of, you know, things to do in my life apart from gaming, but gaming is one of the things I will never forget and never stop doing in my life. I mean, ye list jo aapne mention kari kafi sari cheeze hai. How do you get time to do all of this together? Like studies, practice your singing, cooking, and then playing video games, and then sona bhi hota hai. So when you have been doing these things for many years, it doesn't become a practice. It's more of you're doing it because it makes you calm and you know, enjoy yourself doing certain things. So when I'm drawing, I'm usually singing along with music. So it, you know, dono ho jate hai saath mein. And I cook because ghar pe you have to do certain things to help your parents, so cook karti hu. You've sort of taken more steps forward into gaming. I've heard you're aspiring to do other things with this sort of new life. So unke bare mein janna chahunga main. Haan, so Valorant has been one of those games which is really popular at the moment, and it only has scope to grow from here. I don't think there is gonna be a point where Valorant is not, you know, gonna be suddenly not popular. So I want to expand my horizons and start streaming. I think most of my friends already think I'm a streamer because I say funny stuff during the games and, you know, entertain people like this. So streamers kind of do that. So I, you know, they've been suggesting that I do streaming, and I actually now am into, you know, the concept that I do want to be a streamer in the future. I mean, or agar streamers ki baat kare, who would be your, I would say like your top 3? Taking it internationally, my top streamer right now is Flo Ascending. He's a Sage main. Sage main hai, isliye main dekhti hu, kyunki I used to be a Sage main, and the only reason I watch is to learn properly. And the other streamers are obviously Shazam. Shazam is one of those entertaining streamers who are so lively and talkative, and you just get attracted to the kind of persona he has, and that never fades throughout his stream. He streams for 6 hours and he's still the same energy throughout, and that's one thing I aspire to be. And another streamer that I would love to, you know, look up to is How to Noodle with his Jet main, and these are the streamers I watch right now. Yeah, there are others as well. So I mean, apne sabse pehle jo mention kiya the Sage, I have to say, I mean, we have someone on our team who loves playing Sage a lot, so unke liye chahunga, like, can you do a few voice lines from Sage as well? Yeah, I can. I am a shield and sword. Together, we will bury them under their transgressions. And other lines are, stand tall, we are Valorant, we are fighters.
I love that, and my director is also has a massive smile on his face right now in the background, because that's the salesman I'm talking about. But chaliye aage badhte hain. I mean, another thing that he wanted to pursue was not just being a content creator, but diverging into competitive esports side of things. Or wahan pe you wanted to see if casting was an option. So competitive scene mein, there's a lot that has happened in the past few months. So again, same question to everyone: who would be your favorite player? Right now, SK Rossi, without a doubt. He is really mad skilled guy, and watching him itself is just a mind-blowing experience. The way he moves around in the screen is top-notch. I mean, definitely mesmerizing gameplay hamesha SK Rossi ka rehta hai, and the best part is I've seen it with a lot of players ki jitna zyada acche hote hain personality real life mein utni zyada shant rehti hai, and that's with SK Rossi as well. Lekin apart from him, I mean, if we go international, which one player would be like someone you consider all right SK Rossi level player? I would need to think on that. I thought instantaneous tens ka pop up ho gaya. Shazam maybe. Nah. Those guys are good, but tens is really quiet. And as a person who's very talkative, watching his streams or like watching his gameplay maybe, but streams though I don't watch because it's very boring. Wo baithte shant aise khelta rehta. It's not fun. To play. I mean, makes sense. He's more focused into the game and game exactly. Yeah, wo ek cheez hai, but. Again, I mean, before we close out the interview, obviously, koi aisi extraordinary line main sunna chahunga. What do I ask for? I mean, this is like so much power with me right now. All right, I guess Reina is someone we have skipped. So Reina. Mind you, this is going to be quite loud because Reina, as an aggressive agent, it's one of those agents you want to, you know, go first and get the first picks and, you know, kill the first few enemies at the line. So she's got to be that energetic, you know, angry, aggressive person. And because of that, her lines go, more, more, they're nothing to me. And that's Reina. that was nice. But with that, thank you so much for giving us your time. Is there any message that you would like to send out to the people that are watching the show right now? Yeah, gaming right now in India is not at the level where I hope it would be one day. And I soon hope that most people realize it's not just something you do for fun. It can be something that you do competitively and make money and make your parents and the country proud eventually. So I really want India to get there soon. I mean, exactly. I mean, it's a step-by-step process, and I have to say, we are getting there. Slowly and steadily, we are moving forward in the Indian esports ecosystem. But thank you so much for giving us your time, Avasthi. It has been a pleasure to have you, and maybe we'll get some more voice lines for you from your stream, I guess, in the future. Thank you so much. Thank you so much for giving us your time, Avasthi. It has been an absolute pleasure to have you with us, and thank you. So I've always been obsessed with backstories, video game characters, ke chahe wo koi bhi game ho, be it League of Legends, be it Dota 2, and recently Valorant. Lekin Valorant ke andar theories padhte padhte fan theories ke threads pe jab aap jaate hain, to wahan pe recently I just came across a really interesting fan theory about KO. So according to the fan, jinka naam humko nahi pata, unfortunately, to give him due credits, KO एक बॉट है फ्रॉम द रेंज इन वैलोरेंट, जिनको एजेंट्स काफी रूथलेसली मारते आ रहे हैं, और ये काफी जेनरेशन से चलता आ रहा है. इसी से तंग आकर उस बॉट ने अपने आप को रेंज से छुड़ा लिया, और अब वो उतरा है वैलोरेंट की दुनिया में एजेंट से बदला लेने के लिए. इफ दिस इज नॉट द एक्चुअल बैक स्टोरी ऑफ KO, आई थिंक आई विल बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये बैक स्टोरी मेरे को तो काफी ज्यादा मजेदार लगी. और अब बारी हो चुकी है हमारे मीम्स की, और क्योंकि वीकेंड भी आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बोलना चाहूंगा बस अपने इंटरनेट कनेक्शंस बचा के रखना, क्योंकि सबको पता है इंटरनेट तभी डाउन होता है जब आप और आपके दोस्त गेम खेलने के बारे में सोचते हैं. और ये भी सबके साथ होता है जब पूरी की पूरी टीम ब्रेन फेड होकर खेल रही हो.
और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा ये शो यहीं पे खत्म होता है। और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, इस शो में हमने थोड़ा कुछ अलग किया है, हमने कम्युनिटी का कंटेंट यहाँ पे फीचर किया है। और अगर आप लोग भी वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स पे फीचर होना चाहते हैं, अगर आप लोगों को भी इंटरव्यूज में आने का मौका चाहिए, हमारे को अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, हमारे को अपना कॉन्टेंट सेंड कीजिए videos@nodwin.com पर। आई गेस इट्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एज वेल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।